हम बनी के घर में घूमते हुए दो अंकों वाली संख्या को जल्दी जोड़ना और घटाना सीखे। बनी की माँ ने बनी के लिए इन कमरों में कुछ खास छुपा रखा है। ये पता लगाने के लिए कि वो वस्तु क्या है, हमें कुछ जोड़ की पहेलियाँ सुलझानी होंगी। आखिरी पहेली सुलझाने पर हमें छिपी वस्तु मिल जाएगी। तो आइए शुरू करें। पहले हम कमरा 24 से 34 तक जाएंगे। इसे हम एक एक कदम चल 10 कदम में इस तरह कर सकते हैं। क्या 24 से 34 तक जाने का कोई छोटा रास्ता है? जी हाँ, हम इस तरह एक छलांग ऊपर लेकर 24 से 34 तक पहुंच सकते हैं। 24 से 34 तक की छलांग कितने कदम के बराबर है? हाँ, ये 10 कदम के बराबर है। इसे हम 24 से 10 जोड़ बराबर 34 इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या आपको बन्नी के इस घर के बारे में एक रोमांचक चीज पता है? यहाँ के किसी भी कमरे से यदि हम एक छलांग ऊपर लगाएं, तो हम 10 कदम आगे यानी 10 जोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम दो छलांग ऊपर लगाएं, तो कितने कदम होंगे? 20। तीन छलांगे ऊपर तो 30। इस तरह आसानी से किसी भी कमरे के संख्या में हर छलांग के साथ 10 जोड़ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 33 से 12 ज्यादा कितना होगा? क्योंकि हमें अब 10 की छलांग आ गई है, तो क्यों ना 33 से 12 ज्यादा कितना होगा ये पता करने के लिए भी हम बनी के घर का इस्तेमाल करें। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? चलो 33 से पहले एक लंबी 10 की छलांग लगाएं और फिर दो कदम और आगे चलें। हम 33 से 12 कदम आगे 45 पर पहुंच गए। इस तरह 33 से 12 ज्यादा हो गए 45। बच्चों, क्या आप इस पहेली को बनी के घर के कमरे इस्तेमाल कर सुलझा सकते हो? इस बार हमें कितनी छलांगे लगानी होंगी? जी हाँ, पहले हम दो लंबी छलांगे लगाकर 20 कदम आगे 91 पर पहुंचेंगे और फिर बिल्कुल सही 3 कदम और आगे चलकर 71 से 23 कदम आगे 94 पर पहुंच जाएंगे। इस तरह 71 से 23 जोड़ने से 94 आएगा। वाह वाह, हमें घर में छिपी वस्तु मिल गई। बनी की माँ ने बनी के लिए घर के कमरों में ट्रॉफी छुपाई है। बच्चों, आप भी बनी के घर जैसा एक ग्रिड बना सकते हैं और फिर इस पहेली का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। बच्चों, इस पाठ में हमने दो अंकों की संख्याओं के जोड़ का आसान तरीका सीखा। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे।